फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से गांव की विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावा बन के ही रह जाता है। ऐसी एक खबर सिद्धार्थनगर जिले के गिद्धरपुर गांव से आ रही है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव विकास को लेकर कोसों दूर है। सांसद और विधायक से इस बारे में बात करने से भी कोई हल नहीं निकलता। बता दें कि गांव की इतनी बदतर हालत है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे चारपाई पर लेटा के मेन रोड तक लाना पड़ता है, जिसके बाद कई बार व्यक्ति अपना दम भी तोड़ चुका होता है। वहीं किसी के घर तक गाड़ियां भी नहीं जा सकती। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और बिजली की तार इतने नीचे लटक रही है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। ग्रामीणों ने कहा उन्हें बीजेपी सरकार से काफी उम्मीदें थी, जिसे लेके उन्होंने बीजेपी को वोट भी दिया था, लेकिन अब गांव के लोगों को बीजेपी को वोट देना एक गलती लग रही है। आपको बता दें, इस गांव की हालत को देखकर यही कहा जा सकता है कि अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो यह सिर्फ दिन में सपना देखने के बराबर है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा का और ग्रामीणों का। शिकायत मेरे पास आई नहीं है, पर आप मेरे संज्ञान में ये चीज़ लाएं और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हम दिखवा लेते हैं और जैसे भी उसकी तत्कालिक व्यवस्था कुछ हो सकती है वो जरूर करवाएंगे। बीत चुका है, यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है और हम लोग एक दूसरे गांव से गुजर करके इस गांव में हम लोग प्रवेश करते हैं और जितने हमारे यहाँ के MP MLA विधायक हुए हैं, जो आता है वो बोलता है अब भी आपके गाँव में हम लोग जैसे जीत जाएंगे वैसे आप कहाँ का रोड क्लियर हो जाएगा। जब वोट पड़ जाता है तो वो लोग दिखाई नहीं देते हैं, अगर फोन लगाओ तो फोन उठाने को राजी नहीं है। देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष बीत चुके हैं, जिस गांव में सड़कें नहीं थी, पगडंडी नहीं था, आज वहां पे पिच रोड बन चुका है और हमारे यहां पता नहीं कितने बार इलेक्शन हुआ, कितने लोग नेता वगैरह आए, केवल आश्वासन पर आश्वासन मिला कि अब की बार हमको जितवा दीजिए, हम ये सड़क बनवा देंगे, ये सड़क ऐसा नहीं रहेगा, इसको पिच करवा देंगे, ऐसा कर देंगे। आज ये दुर्दशा हम ग्रामवासी झेल रहे हैं, बूढ़े बच्चे जवान सबका दुर्दशा है, पढ़ने वाले बच्चों का तो और दुर्दशा है, जो छोटे छोटे बच्चे बैग टांग कर जाते हैं, पूरा कपड़ा उतार के बरसात के मौसम में सर पे बैग रखते हैं, उसके बाद में इस पार से उस पार जाते हैं, फिर उनको मुख्य मार्ग पे आना पड़ता है, मिलता है। तो ये दुर्दशा हम लोगों का आज तक भी किसी नेता या किसी मंत्री या किसी भी पार्टी के द्वारा हम लोगों का इसका सॉल्व नहीं किया गया और कितनी बार भी हम लोगों ने प्रयास किया कि इस सड़क को बनवा दिए, कोई भी बनवा दे, किसी पार्टी के द्वारा बन जाए, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केवल आश्वासन, हाँ आपकी हमको जिताइए, हम आपका सड़क बनवा देते हैं, बस 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर अभी आपका सड़क एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन ये दुर्दशा उन लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोग चौखड़ा से गिरधरपुर पहुँचते हैं, गिरधरपुर से कुंगैया होकर के हमारे ग्राम में आते हैं। अगर वो लोग डिग्री कॉलेज जो फागू साहब बाबा का स्थान है वहाँ से हमारे गांव में सीधे आए तो उनकी गाड़ी भी हमारे गांव तक नहीं पहुँच सकती है कि आकर के हमारे गांव में प्रचार करके जाए। तथा आप लोगों से निवेदन है, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, कि हम लोगों की दुर्दशा को, हम लोगों का जो तकलीफ है, कष्ट जो हम लोग झेल रहे हैं, इससे हम लोगों को आप मुक्त कराएं और हमारे गांव के संपर्क मार्ग को मुख्य मार्ग में जोड़ने का कष्ट करें। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।